हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसका पेज नंबर 30 हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 30 पर आप देख लीजिए, आपको सिस्टम ऑफ नंबरेशन बताया है अप टू 10 लाख तक। इसके पहले मैंने आपको भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार बताया हुआ था कि डिजिट्स हम कैसे रीड करते हैं, जैसे 1, 10, 100, यानी कि संख्या के डिजिट्स बढ़ते जाने के साथ ही हमारा उनका प्लेस के अनुसार उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब इसमें हम एक जीरो ऐड और कर देंगे तो वो हो जाएगा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से उनके जीरो या डिजिट्स बढ़ने के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार उसके अंदर हम कॉमा पुट कर उसे इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार फर्स्टली हम कॉमा पुट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से, और लास्ट में फर्स्ट टाइम हम 1, 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि हम कॉमा फर्स्ट हम 1, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2, 2 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब अगर आपको क्वेश्चन कॉमा पुट करने के लिए आए तो आपको ध्यान रखना है, आपको पीछे से कॉमा लगाने स्टार्ट करना है। फर्स्ट आप 1, 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, देन आपको 2, 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है। तो आइए हम आपका यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पुट कॉमास इन द गिवन नंबर्स एज पर भारतीय गणना प्रणाली, यानी आपको भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार कॉमा पुट कर इसे कंप्लीट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम किसी भी लेटर, किसी भी डिजिट में पीछे से कॉमा लगाने स्टार्ट करते हैं, और आपको किस तरीके से कॉमा लगा कर इसे कंप्लीट करना है, आपको फर्स्टली 3 डिजिट के बाद और उसके बाद आपको 2, 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है। जैसे कि आपको यहाँ फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 46,932, तो आपको 1, 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट कर इसे कंप्लीट करना है। एज इट इज़ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेकंड आपको दिया हुआ है यहाँ 5,124, जिसमें आपको 1, 2, 3 यानी कि 1 के बाद आपको कॉमा लगाना है पहले। नेक्स्ट 99,846, तो आपको 1, 2, 3, 8 के पहले कॉमा पुट करना है। तो इसी का बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप 1, 2, 3 डिजिट काउंट कर आप वहाँ पर यूनिट, टेंस, 100 के बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर आपको फोर्थ दिया हुआ है 6,401, तो आपको 1, 2, 3 यानी 4 के पहले कॉमा पुट करना है। आफ्टर दे आपको फर्स्ट टाइम में 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हुए फिर आपको 2, 2 डिजिट आफ्टर कॉमा पुट करना है। तो आपको 00 आफ के पहले कॉमा पुट कर इसे कंप्लीट करना है। एज इट इज़ आपको यहाँ पर 12 यहाँ पर जो आपको सम्स दिए हुए हैं, आपको फर्स्टली 3 डिजिट आफ्टर, नेक्स्ट आपको 2, 2 डिजिट आफ्टर कॉमा पुट करना है। और ध्यान रखना है कि हम डिजिट में कॉमा पुट करना पीछे की तरह से काउंट कर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड आपको दिया हुआ है राइट हिंदी नंबर नेम्स ऑफ, यानी आपको यहाँ पर डिजिट दिए हुए हैं जिसका आपको हिंदी नंबर राइट करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1, जिसे हिंदी में बोलते हैं 1, तो आपको 1 लिखकर इसे पूरा करना है। आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी रफ अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। सेकेंड आपको दिया हुआ है 10, जिसे हिंदी में हमें 10 राइट करना है। थर्ड 100, फोर्थ आपको दिया हुआ है 20, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 20, तो आपको 20 लिखकर इसे याद लर्न करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 42, 1000, 34, 45, इस तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग डिजिट्स जैसे 36, 47, पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको 1 से लेकर 100 तक, उन्हें कम से कम 1 से लेकर 100 तक हिंदी में नंबर्स नेम लर्न भी कराने हैं, ताकि अगर एग्जाम्स में उन्हें नंबर राइट करने के लिए आए तो वो इजीली राइट कर सके। इसी के साथ आप उनका टेस्ट लेने के लिए आप उन्हें बीच बीच में से कोई भी डिजिट जैसे 37, 98, 54 ऐसे डिजिट देकर आप इनका हिंदी नाम उनसे पूछ कर लिखवा कर कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका राइट इंटरनेशनल नंबर नेम्स ऑफ, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो इसलिए आप थर्ड क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। जब हम आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आप फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है राइट इन फिगर्स, आपको यहाँ पर
आपको यहाँ वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स में आपको दिए हुए हैं जिनको आपका नम आपको नंबर राइट कर कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट है 7000, तो आपको 7, देन 1000 के लिए 30, आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो 7000 आपको यहाँ डिजिट राइट कर कर इसे कंप्लीट करना है। आप इसे अपनी रफ कॉपी में राइट कर कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट 1400, तो आपको 1400 राइट कर कर इसे कंप्लीट करना है। एज इट इज़ 450, तो 450, अगर बच्चों को नहीं समझ आता तो आप इस वे में भी उन्हें बता सकते हैं, जैसे 400 तो आप फर्स्टली लिखवा दीजिए 400, नेक्स्ट 50, तो 400 प्लस 50 हम किस तरीके से राइट करेंगे, 450। फिफ्थ है आपका 1230, तो 1230 तो आपका हुआ 1230, हम इस तरीके से राइट करेंगे और आपको कॉमा पुट करवाते हुए उन्हें राइट करवाना है। नेक्स्ट है 970, तो 970 एंड 38024, तो 38000, तो आपको 38000 रीड कराना है। नेक्स्ट आपको राइट कराना है 24, देन आप प्लस कर कर उन्हें बता सकते हैं कि 38024, आप उन्हें प्लेस पर राइट करवा कर भी, रीड करवा कर भी उनसे पूछ सकते हैं, जैसे 10 यूनिट, 10, 100, 1000 एंड 10000। नेक्स्ट है आपका 8022, तो आपको 8022 राइट करवा कर उनसे राइट करवाना है। नेक्स्ट 506 एंड 140, आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको उनसे फिगर्स रीड करवा कर डिजिट में इसे राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। साथ ही आपके ऑनलाइन क्लासेस में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा दी जाएगी। इसी के साथ में पेरेंट्स भी बच्चों पर ध्यान देते हुए भारतीय गणना प्रणाली उन्हें सिखाकर और डिजिट्स हिंदी, इंग्लिश और डिजिट में उन्हें राइट करवा कर अच्छे से कंप्लीट करवाएं।